একেই বলে এক ঢিলে দুই পাখি মারা। বিদেশের মঞ্চে দাঁড়িয়ে একদিকে যেমন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক মজবুত করার বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী, তেমনি আবার তৃতীয়বার ক্ষমতায় ফেরার আত্মবিশ্বাসও জাহির করলেন। দুই দিনের সফরে সংযুক্ত আরব আমির শাহিতে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার সেখানেই আহলান মোদী নামক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ভারত ও সংযুক্ত আরব আমির শাহির মধ্যে মজবুত সম্পর্কের প্রশংসা করেন। তৃতীয়বার ক্ষমতায় ফিরে এসে এই সম্পর্ক আরও দৃঢ় করার বার্তা দেন তিনি। দুই দফায় প্রধানমন্ত্রী হয়ে মোট সাতবার সংযুক্ত আরব আমির শাহিতে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে মজবুত সম্পর্ক করার জন্য তিনি প্রবাসী ভারতীয়দেরকেই ধন্যবাদ জানান। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, প্রতিবারই মোদি গ্যারান্টি কাজ করবে। মোদির গ্যারান্টি মানে গ্যারান্টি পূরণ হওয়ার গ্যারান্টি। তিনি বলেন, ভারত ও সংযুক্ত আরব আমির শাহির মধ্যে বন্ধুত্বকে প্রশংসা করার সময় এটা। এই ঐতিহাসিক স্টেডিয়ামে সকলের মনে একটাই অনুভূতি কাজ করছে, ভারত সংযুক্ত আরব আমির শাহির বন্ধুত্ব দীর্ঘজীবী হোক। প্রবাসী ভারতীয়দের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, আমি এখানে আমার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। আমি মাটির গন্ধ নিয়ে এসেছি যেখানে আপনারা জন্মগ্রহণ করেছিলেন। একই সঙ্গে 140 কোটি ভারতীয়দের বার্তাও এনেছি। সেই বার্তাটি হলো, ভারত আপনাদের উপর গর্বিত। প্রথমবার সংযুক্ত আরব আমির শাহী আসার অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়ে নমো বলেন, 3 দশক পর কোনো ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সংযুক্ত আরব আমির শাহীর সফর ছিল। কূটনীতির জগৎ তখন আমার কাছে নতুন ও অচেনা ছিল। সেই সময় আমায় বিমানবন্দরে স্বাগত জানাতে এসেছিলেন তৎকালীন ক্রাউন প্রিন্স। উপস্থিত ছিলেন আজকের প্রেসিডেন্ট ও তার 5 ভাইও। ওদের চোখে যে সৌজন্য ও ঔজ্জ্বল্য দেখেছিলাম তা আমি কখনো ভুলব না। ওই অভ্যর্থনা শুধু আমার জন্য ছিল না, 140 কোটি ভারতীয়র জন্য ছিল। साथियों, आज एक एक भारतीय का लक्ष्य 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का है। दुनिया का वो देश जिसकी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, वो देश कौन सा है? हमारा भारत। दुनिया का वो देश कौन सा है जो स्मार्टफोन डेटा कंज्यूम करने में नंबर 1 है? दुनिया का वो देश कौन सा है जो ग्लोबल फिनटेक एडॉप्शन रेट में नंबर 1 है? हमारा भारत। दुनिया का वो देश कौन सा है जहां सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन होता है? हमारा भारत। दुनिया का वो देश कौन सा है जहां इंटरनेट यूजर्स के मामले में नंबर 2 पर है? हमारा भारत। दुनिया का वो देश कौन सा है जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है? हमारा भारत। दुनिया का वो देश कौन सा है जहां दुनिया का 3रा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है? हमारा भारत। दुनिया का वो देश कौन सा है जो अपने पहले ही प्रयास में मंगल तक पहुंच गया? हमारा भारत। दुनिया का वो देश कौन सा है जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर अपना झंडा गाड़ दिया है? हमारा भारत। दुनिया का वो कौन सा देश है जो एक बार में 100 सैटेलाइट भेजने का रिकॉर्ड बना रहा है? हमारा भारत। दुनिया का वो कौन सा देश है जिसने अपने दम पर 5G टेक्नोलॉजी विकसित करके सबसे तेज रोल आउट किया है? हमारा भारत। साथियों, भारत की उपलब्धि हर
हर भारतीय की उपलब्धि है। फिर 10 साल में भारत दुनिया की 11वें नंबर की इकोनॉमी से 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गया है। और आप जानते हैं, मुझे हर भारतीय के सामर्थ्य पर कितना ज्यादा भरोसा है, इसी भरोसे के दम पर मोदी ने एक गारंटी भी दी है। मोदी की गारंटी आप जानते हैं, मोदी ने अपने तीसरे टर्म में भारत को तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाने की गारंटी दी है। और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। हमारी सरकार लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए, उनकी परेशानियां कम करने के लिए लगातार काम कर रही है। हमने 4 करोड़ से ज्यादा परिवारों को पक्का घर बनाकर दिया है। हमने 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को नल से जल का कनेक्शन दिया। हमने 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है। हमने 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी है। गांव देहात के लोगों को इलाज में दिक्कत ना हो, इसके लिए हमने 1.5 लाख से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनवाए हैं। साथियों, आप में से जो लोग बीते दिनों भारत गए, वो जानते हैं कि आज भारत में कितनी तेजी से बदलाव आ रहा है। आज भारत एक से बढ़कर एक आधुनिक एक्सप्रेस वे बना रहा है। आज भारत एक से बढ़कर एक नए एयरपोर्ट बनवा रहा है। आज भारत एक से बढ़कर एक नए रेलवे स्टेशन बनवा रहा है। आज भारत की पहचान नए आइडिया, नए इनोवेशंस की वजह से बन रही है। आज भारत की पहचान मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से बन रही है। आज भारत की पहचान एक वाइब्रेंट टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में बन रही है। आज भारत की पहचान एक बड़ी स्पोर्ट्स पावर के रूप में बन रही है। और आपको सुनकर गर्व होता है, जरूर होता होगा, होता है ना? মঙ্গলবার বাবস হিন্দু মন্দির উদ্বোধনের পাশাপাশি আবুধাবিতে প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গেও আলাদাভাবে দেখা করেন এবং কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ছবি পোস্ট করে লেখেন, আবুধাবিতে ভারতীয় মণ্ডলের অভ্যর্থনা পেয়ে আমি আপ্লুত। সংযুক্ত আরব আমিরশাহী প্রেসিডেন্ট শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদ আলী নাহাইনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকও করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ব্যুরো রিপোর্ট, আর ইনিউজ।